subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस एनालिसिस और नेक्स्ट वीक. तो नेचुरल गैस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है लगभग 3% प्लस गेन के साथ 20 रुपए ऊपर लगभग 660 के लेवल पे. अगर मंथली चार्ट पे देखोगे आप तो यहाँ जो है तो लगभग 47% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ. लगभग 212 रुपए यहाँ गेन दिखा रहा है नेचुरल गैस. और यहाँ पिछले महीने जो भी फॉल आया था उसको पूरा उसने रिकवर कर लिया. यहाँ जो है तो जितने भी शॉर्ट्स या बियर पोजीशन बनी थी वो सभी टेकन आउट हो चुकी हैं यहाँ इस कैंडल के साथ. और यहाँ जो है तो अभी भी नेचुरल गैस का रुकने का कोई साइंस नहीं दिख रहे यहाँ. हम जनरली ओवरबॉट एरिया को अप्रोच कर रहे हैं मगर करंटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ और भी अपसाइड बची हुई है. जब तक ये 620 के ऊपर रहेगा तब तक आपको सुपर बुलिश ट्रेंड और मोमेंटम दोनों देखने को मिलेंगे. 620 के नीचे इसके करेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है. जब तक ये 620 के नीचे नहीं आता है तब तक आपको या शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, या तो ट्रेड ही नहीं लेना है या फिर आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड लेना है. और यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो उसके वजह से आपको स्टॉप लॉस बहुत डीपर रखने पड़ेंगे. मगर मुझे अभी भी यहाँ लगता है कि नेचुरल गैस अपसाइड दिखा सकता है. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि तीन ही वीक में हमने जितना भी तीन वीक में लॉस किया था उससे वो लगभग पूरा कवर अप कर लिया है लास्ट तीन वीक में. इस हफ्ते हम क्लोज कर रहे हैं लगभग 19% गेन के साथ लगभग 105 रुपये ऊपर नेचुरल गैस बंद हो रहा है. और हम फिर से जो रिकॉर्ड हाई थे 740 के अराउंड उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि वो भी हाई शायद नेचुरल गैस जो है तो टेकआउट कर सकता है. और आपको उसके ऊपर के भी लेवल जो है तो शायद 900 और 1000 के भी लेवल नेचुरल गैस दिखा सकता है. यहाँ आपको 620 का लेवल एज ए लक्ष्मण रेखा रहेगा फॉर इन्वेस्टर और ऑल्सो फॉर ट्रेडर. उसके ऊपर जब तक नेचुरल गैस है तब तक आपको लॉन्ग व्यू बना के रखना है. 620 के नीचे ये मोस्ट प्रोबेबली करेक्शन में जाएगा. अगर 620 होल्ड करता है तब तक आपके जो होप है ऊपर के टारगेट समझो 750, 800, 900 और 1000 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं. 620 ये मेरा लक्ष्मण रेखा लेवल रहेगा. उसके नीचे जो है तो हम मोस्टली शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे. 620 के ऊपर ओनली फाइंड बाय अपॉर्चुनिटी और फॉलो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी. यहाँ अभी मुझे इमीडिएट टारगेट जो लग रहा है वो 740 का है और उसके बाद में 800 का जो राउंड फिगर है वो भी हमें नेचुरल गैस दिखा सकता है. 620 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है इन मीडियम टर्म ऑल्सो. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 200 डेज का जो एवरेज है उसको टच किया और वहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमने ऊपर के लेवल पे दिखाई है. 660 का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है. अभी यहाँ जो है तो अगर 660 का लेवल क्रॉस करता है नेचुरल गैस तो 735 और 850 के टारगेट नेचुरल गैस में ओपन हो जाएंगे. तो यहाँ आपको क्लोजली वॉच करना है और ये लेवल सिर्फ इस महीने के लिए वैलिड रहेंगे. अगले महीने से नए लेवल रहेंगे क्योंकि अगले महीने जो प्योर पॉइंट रहेंगे वो अलग रहेंगे. ये सिर्फ मैं अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ. अगर 660 क्रॉस कर लेता है नेचुरल गैस तो 735 और 850 के टारगेट आपको नेचुरल गैस में आते हुए दिख सकते हैं. और यहाँ जो है तो डाउन साइड पर आपको जो मेजर सपोर्ट जोन है एवरेजेस के वो 560 उसके बाद में 525 और 450 के अराउंड आपको सपोर्ट जोन दिखेंगे. तो अभी जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है वो है 550 के अराउंड और हमने जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखा है वो 620. तो 620 और 550 ये सपोर्ट जोन आप पकड़ के चलिए अगले हफ्ते के लिए. मगर 620 के नीचे आपको जो है तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल बाय मत करना. अगर 620 टूट जाता है तो आपको वहाँ जो है तो शॉर्टिंग के मौके ही ढूंढना पड़ेंगे. लॉन्ग साइड पे ट्रेड जो है तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेंगे. और यहाँ जो है तो अगर 660 ऊपर अभी जो है तो 660 का लेवल टूट जाता है तो आपको जो है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा ऑन अपसाइड, जिसके टारगेट रहेंगे 735 और 850 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं. आई मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है तो आई मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस. और अगर ये 660 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन पे जोर देंगे
और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 735 और उसके बाद में 850 के टारगेट के लिए हम जो है तो इंट्राडे बेसिस पे इसको ट्रेड करेंगे ओनली ऑन लॉन्ग साइड, और 620 के ऊपर भी आपको जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू जो है तो लॉन्ग साइड पे ही रखना है। अभी क्लियरली मोमेंटम जो है तो लॉन्ग साइड पे है और हम ओवरबॉट जोन में है, फिर भी जो है तो प्राइजेस नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में अगर ऊपर रहते हैं तो यहाँ से जो है तो आपको शॉर्ट कवरिंग रैलीज जो है तो देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ जो है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ट्रैप रहते हैं। तो जैसे ही वो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे आपको जो है तो और ऊपर के लेवल जो है तो नेचुरल गैस दिखा सकता है। तो मेरा व्यू मोस्टली ऑन बुलिश साइड रहेगा नेचुरल गैस में, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखना है 660 का लेवल वो ब्रेकआउट देता है तो 735 850 के टारगेट, और मीडियम टर्म में 620 का सपोर्ट देखना है, उसके ऊपर जब तक है तब तक मीडियम टर्म व्यू भी हमारा बुलिश ही रहेगा। और यहाँ जो है तो जिन्होंने भी लॉन्ग साइड के ट्रेड लिए होंगे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी इस वीक में मिल चुका है, क्योंकि यहाँ जो है तो हमने लगभग 18-19% के गेन आते हुए देखे हैं नेचुरल गैस में, और ये शायद आने वाले हफ्तों में कंटिन्यू भी रहेगा। सो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल चाहिए विथ लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।